Hi guys, मैं हूँ शर्मिष्ठा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है What's in my bag? वो कहते हैं ना, एक लड़की का हैंड बैग उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो मेरा हैंड बैग भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दिखने में तो ये बहुत ही छोटा है, पर इसमें एक पूरा दुनिया भरा पड़ा है। और मुझे ऐसे हैंड बैग बहुत पसंद है जो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, ज्यादा छोटा ना हो, एकदम एप्रोप्रिएट हो और उसमें सारी चीजें भी आ जाए और ज्यादा बल्की भी ना लगे। और ये हैंड बैग मेरा फेवरेट है और मैं इसे यूज कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 1 month। और बहुत ही प्यारा सा इसका स्टाइल है और मेरे लिए पर्सनली अ गुड पेयर ऑफ शू, अ गुड पेयर ऑफ सन ग्लासेस एंड गुड हैंड बैग इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे जो हैंड बैग्स हैं, मेरे जो जूते हैं, वो मैं बहुत सालों तक यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। इसीलिए एक अच्छे से हैंड बैग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये एक डिज़ाइनर हैंड बैग है फ्रॉम द कंपनी टी डी ब्लेक ऑफ न्यूयॉर्क एंड ये लेदर हैंड बैग हैंडमेड है जिसे इटली में बनाया गया है। चलिए खोलते हैं मेरा हैंड बैग। तो ऐसे इसे खोला जाता है। सबसे पहला जो चीज मेरे हैंडबैग में मुझे दिख रहा है वो है अमृतांजन। सबके पास ये नहीं होता है, मेरे पास ये है और मेरा नोज जो है वो बंद पड़ा है, तो मैं अमृतांजन थोड़ी देर बाद बाद स्मेल करती हूँ जब भी मैं बाहर निकलती हूँ। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। मेरा लिपस्टिक, ये बॉर्जुइस का ऑरेंज कलर का एक लिपस्टिक है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे बैग में बहुत सारे लिपस्टिक हमेशा रहते हैं। मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है, जब मैं मेकअप नहीं भी करती हूँ तो मैं लिपस्टिक और मेरा आईब्रो हमेशा रहेगा ऑन फ्लीक। ये मेरा जो है शेड है ऐसा वाला है, ये मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे हर बैग में 2 pair ऑफ शेड्स रहते हैं, ऐसे जो एकदम सस्ता वाला रहता है और एक मेरा रेबैन का रहता है। बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं। ओ ये वाला है प्राइमार्क का, ये वाला शेड्स I really love this pink tinted one, क्योंकि ये आप रात में भी कैरी कर सकते हो, आप दिन में भी कैरी कर सकते हो। एक पेन मैंने सीखा है जब मैं इंडसइंड बैंक में थी, तो बैंक में जॉब जो लोग करते हैं उनके साथ हमेशा एक जो डायरी है और एक पेन है वो हमेशा रहता है। रेसिडेंट परमिट है लंदन का, एक मेरा है एक संबित का है। सो नेक्स्ट है मेरा ये शेड, ये वाला जो शेड है ये रेबैन का है, ये जिकर मिकर है तो ये हम सिर्फ डे लाइट में ही पहन सकते, अगर हम रात में पहन के ये घूमेंगे तो सब क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं। सो दिस इज द वन आई लव, लव दिस वन, दिस इज वेरी प्रिटी। फिर है ये, ओ ये मेरे बैग का लॉक है और बैग का की भी है, तो ये बैग आता है एक लॉक के साथ और एक की के साथ। आप बहुत प्यार से आराम से लॉक कर सकते हो इस बैग को। मैं इसे हमेशा कैरी करती हूँ कि कभी जरूरत पड़ जाए, यू नेवर नो। उसके बाद है ये पाउच और ये वाला पाउच है मेरे मेकअप का पाउच, तो मैं भी बहुत एसेंशियल चीज़ें कैरी करती हूँ क्योंकि अगर किसी के घर में मुझे रुकना पड़े, ये बैग अगर मैं कैरी करती हूँ तो इसमें हर एक चीज़ एसेंशियल चीज़ जो मुझे चाहिए होता है वो रहता है। तो ये है मेरा फेस वॉश ऑर्गेनिक हार्वेस्टर का है, दूसरा है मेरा सनस्क्रीन, ये है निविया का सन प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजर 30 high SPF, मेवलिन का ब्राउज, मैंने आपको कहा है मैं विदाउट ब्राउज कहीं नहीं जा सकती। मेरा लिप बाम है, ये निविया का लिप बाम है। फिर है ये दो लिपस्टिक है, ये दो न्यूड कलर है, ब्राउनिश न्यूड है और ये एकदम पीची न्यूड, ये है निक्स का और ये है मेवलिन का। फिर एक स्पूली है जिससे मैं अपने ब्राउज को ड्रॉ करती हूँ अच्छे से, मतलब शेप करती हूँ। फिर ये बेसिक नेसेसिटी है अम्ब्रेला, क्योंकि लंदन में तो ऐसी हालत है कभी भी धूप आती है कभी भी बारिश होती है, तो मैं हमेशा कैरी करती थी अम्ब्रेला और यहाँ पे आने के बाद भी मैं कैरी करती हूँ, क्योंकि मैं जब दिन में बाहर निकलती हूँ अगर मैं कैब से नहीं जाती हूँ तो मुझे चलना पड़ता है, तो अगर मैं चल के जाती हूँ तो अम्ब्रेला इज अ मस्ट। और ये बचपन की हैबिट है मेरी, आप भी कैरी कीजिए क्योंकि सन रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हेयर, फॉर एवरीथिंग। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला इज मस्ट। मेरा सेल्फी स्टिक, ये जो सेल्फी स्टिक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं रहता है और मैं ऐसे निकल जाती हूँ शॉपिंग वॉपिंग पे, तो तब भी मुझे अगर सेल्फी लेने का मन करे, अकेली बोर हो रही हो, ऐसे बैठ के कहीं पे सेल्फी ले लेती हूँ, तो इसके लिए एक सेल्फी स्टिक। और वैसे भी ब्लॉगर्स या फिर यूट्यूबर्स को हमेशा एक सेल्फी स्टिक की ज़रूरत होती है और अच्छे कैमरा फ़ोन की भी, तो मेरे पास कैमरा फ़ोन भी नहीं है अच्छा, आई विल डेफिनेटली बाय वन। ये है मेरा परफ्यूम एंड आई लव टू स्प्रे दिस वन, दिस इज ओ गॉड दिस इज सो गुड, दिस इज द ओके दिस इज़ द बॉडी शॉप वन और ये बहुत अच्छा है। मैं हमेशा छोटा बॉटल कैरी करने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे सारे छोटे बॉटल्स जो थे परफ्यूम वो सारे ख़त्म हो गए। मुझे ज़्यादा फ्लोरली या ज़्यादा लड़कियों वाले सेंस बस पसंद नहीं है, तो अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है, आपको पता है कि कुछ परफ्यूम है जो बहुत ही माइल्ड हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, थोड़ा सा रोजी स्मेल हो या फिर थोड़ा सा वुडी स्मेल हो, मस्की स्मेल हो, तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं ज़रूर उसे ट्राई करना चाहूँगी। मेरा हेडफोन और है मेरा कॉम, ये है
है मेरा कील्स का आई क्रीम, क्योंकि मैं मेकअप करने से पहले आई क्रीम अप्लाई करती हूँ. अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ, किसी के घर में रुक रही हूँ, तो अगर मैं फेस में कुछ ना भी अप्लाई करूँ, स्पेशली इंडिया में अगर फेस में कुछ ना भी अप्लाई करूँ तो चलेगा, बट अगर मैं आई क्रीम ना अप्लाई करूँ तो आई फील सो नेकेड, क्योंकि मेरी अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई है. मैं पहले कैरी करती हूँ रोहन बादाम श्री का जो आमंड ऑयल है, वो थोड़ा सा स्पिल करता है, मेरे बैग में गिर जाता है. तो ये मेरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेवरेट बैग है, मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आई क्रीम कैरी करती हूँ अभी. और ये वाला जो है, ये है एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मॉइस्चराइज़र हमेशा चाहिए. और ये टिंटेड मॉइस्चराइज़र है जिसमें SPF 15 भी है. तो आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपको मेकअप करने का मन नहीं है और नहीं चाहते हो मेकअप करना, फिर भी आप चाहते हो आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लोई और थोड़ी सी इवन लगे और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का भी इफेक्ट मिले उसके साथ, तो ये वाला जो है निविया का टिंटेड मॉइस्चराइजर आप ज़रूर ट्राई कीजिए. मेरे हाथ में लगी ये ईयरिंग्स, तो मैं हमेशा कोई ना कोई ईयरिंग मतलब रखती हूँ अपने साथ, क्योंकि मुझे ईयरिंग्स बहुत पसंद है, पर हमेशा मैं पहनना भूल जाती हूँ. अभी मैं पहन लेती हूँ इस ईयरिंग्स को. और है इसमें पैसे, क्योंकि मैं वॉलेट अभी कैरी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वॉलेट मेरे बैग को अननेसेसरीली फिल कर देता है. फिर है ये, तो ये बेसिकली है इनका पास जो लंदन का है, और इसके अंदर मैंने अपने कार्ड्स भी रखे हुए हैं. यहाँ पे है मेरा पैन कार्ड, मेरा आईडी कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरे ATM कार्ड. उसके साथ है एक डेरी मिल्क चॉकलेट विक्स, क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा हुआ रहता है, तो मैं कुछ विक्स की टैबलेट्स और कुछ च्युइंगम्स हमेशा कैरी करती हूँ. च्युइंगम्स तो अभी नहीं है मेरे बैग में फिलहाल. दो हेयर बैंड है, एक हेयर क्लिप है, कुछ छुट्टे पैसे, ये ₹2 है इंडिया का और ₹1 है, मतलब ₹5 है इंडिया का. और यहाँ पे है £1, ये UK का करेंसी है £1, और ये है ₹5 एक और इंडिया के. ये 2 pence है और ये है 10 pence. ये बस कुछ चीज़ें हैं मेरे बैग में, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं है. ये मेरे बैग का जो हैंडल है ये है, इसे आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, ऐसे भी कैरी कर सकते हो, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और मैं हमेशा इस बैग को ऐसे ही कैरी करती हूँ. अगर आपको ये वाला बैग चाहिए, मैं नीचे इसका ऑनलाइन लिंक दे दूँगी जहाँ से आप इसे खरीद सकते हो. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. अगर आपको कोई हाई ब्रांडेड डिज़ाइनर बैग चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर टेडी ब्लैक बैग, दिस इज़ वेरी नाइस. और एक और जो प्लस पॉइंट है इस बैग का, वो ये है कि ये फ्री शिपिंग देती है. तो आप कहीं पे भी रहते हो दुनिया के किसी भी कोने में, आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी, बहुत फास्ट डिलीवरी होती है. मेरा ये बैग आया था 10 days के अंदर. और अगर आप इस बैग को मेरे कूपन कोड के साथ खरीदते हो तो आपको $20 ऑफ भी मिल जाएगा. तो मेरा कूपन कोड है TBSHARMISHTA20, और इसे मैं लिख दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तुमके साइट में साइन इन करते हो तो आपको 35% ऑफ मिलेगा साइट वाइड. वीडियो पसंद आता है आपको तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. शर्मिष्ठा बनी है मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज का नाम, तो वहां पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो. मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय, स्टे ब्लेस्ड.